कोरोना की लहर कायम, 81,000 से ज्यादा नए मामले, 469 मौतें, 7 करोड़ के करीब लगे टीके। बड़ी खबर, नोएडा मॉल में चल रहा था सेक्स वर्क, 14 महिलाएं 9 पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में अरेस्ट। यूपी पंचायत चुनाव से पहले सख्ती, पूर्व मंत्री समेत 50 लोगों के सस्त लाइसेंस निलंबित। बेकाबू कोरोना को लेकर केंद्रीय कैबिनेट सचिव की सभी राज्यों के साथ हाई प्रोफाइल बैठक। एक तरफ हो रहा है टीकाकरण, दूसरी तरफ बढ़ रहे पॉजिटिव केसेस। अमेरिका के फैसले से अपमानित हुए इमरान खान, पीएम मोदी को आया बुलावा। भारत की कोरोना वैक्सीन को ब्राजील का रेड सिग्नल, कहा मानकों पर खरे नहीं। भारत संघ व्यापारिक रिश्ते किए बहाल, अब अपनों के निशाने पर आए पाक पीएम इमरान खान। पाकिस्तान भारत से फिर शुरू करेगा व्यापार, कश्मीर से 370 हटने के बाद से थपथपा ट्रेड। चीन में उइगर मुसलमानों के साथ जुल्म को अमेरिका ने बताया नरसंहार। अबू धाबी में बन रहा 900 करोड़ की लागत से हिंदू टेंपल। पीएम मोदी के खत का इमरान खान ने दिया जवाब, कहा स्थिरता के लिए जम्मू कश्मीर समेत सभी मुद्दों को हल जरूरी है। दोस्त की शादी में पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, रोने लगे अपना दुखड़ा। विश्व व्यापार को हुआ भारी नुकसान, तेल व गैस के दाम से लेकर शिपिंग चार्ज में भी बढ़ोतरी।
स्वेज नहर में पिछले 6 दिनों से फंसा विशालकाय मालवाहक जहाज एवर गिवेन को निकालने में मिली कामयाबी। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में टिकी नजरें, आज विदेशी मंत्री जयशंकर होंगे शामिल। श्रीलंका के राष्ट्रपति बोले किसी भी हाल में यूएनएचआरसी के दबाव में नहीं झुकेगी सरकार। पीएम मोदी के दौरे के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा, मंदिर और ट्रेनों पर हमला, 10 की मौत। वर्जीनिया में समुद्र किनारे ताबड़तोड़ गोलीबारी, 2 की मौत, 8 घायल। स्वेज नहर में पिछले 6 दिनों से फंसा विशालकाय मालवाहक जहाज एवर गिवेन को निकालने में मिली कामयाबी।